ऐसे लोग जो अपनी सोच को नहीं बदल सकते, वे लोग कुछ भी नहीं बदल सकते। कभी अपने लिए, कभी अपनों के लिए अच्छे बदलाव जरूरी है। हमेशा याद रखिए, कदर होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर ही, बिना जरूरत के तो हीरे भी तिजोरियों में पड़े रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2020 के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी राशि या नाम राशि पर आधारित है, अर्थात मून साइन पर आधारित है। आइए सबसे पहले जानते हैं दिसंबर 2020 में होने वाले ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। इस माह में चार ग्रह राशि बदलेंगे। सबसे पहले 11 दिसंबर को शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, फिर 15 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और खर मास आरंभ हो जाएगा, सारे शुभ कार्यों पर रोक लग जाएगी। पंचांगों में मकर संक्रांति तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं होंगे। 17 दिसंबर को बुध धनु राशि में प्रवेश कर आपके लिए शुभ फलदायी बन जाएंगे और इस माह के अंत होते होते मंगल भी एक बार पुनः अपनी मेष राशि में प्रवेश करके द्वादश भाव में आपके लिए कष्टदायक बन जाएंगे। वहीं बृहस्पति का निज भंग भी हुआ है, वो आपको राहत देंगे। आइए इन्हीं ग्रह परिस्थितियों के आधार पर जानते हैं दिसंबर 2020 का मासिक राशिफल आपके लिए। हर माह के विशेष राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण किया जाता है। आइए उसमें सबसे पहले बात करते हैं आपकी आय और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का प्रश्न है, गेन का प्रश्न है, प्रॉफिट का प्रश्न है या अपनी मेहनत के फल का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। राशि से 11th हाउस का अधिपति बृहस्पति है, जो कि भाग्य से संबंध जोड़ रहे हैं। हालांकि वो नीच राशि के ग्रह हैं, लेकिन स्व राशि के शनि के साथ में होने से नीच भंग भी स्थिति हुई है। शनि की तीसरी दृष्टि सदैव शुभ मानी जाती है, वह लाभ भाव पर है, ऐसी स्थिति में उसका लाभ भी आपको मिलेगा, अतः फायदा मिलेगा। और मंगल राशि से 11th हाउस में होने से आपको एक प्रकार से एग्रेसिव प्रॉफिट प्राप्त करने की या बहुत ही आप बोल सकते हैं बहुत जोश से पैसा कमाने की स्थिति आपके सामने होगी। 24 दिसंबर 2020 तक मंगल यहीं पर रहेंगे, वहां तक तो स्थिति बहुत शानदार है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले मंगल अपना काम करेंगे, अतः सपोर्ट देंगे। सबसे ज्यादा जो भी लैंड और बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल या खाने पीने की चीज़ें, मसाले या किराना सामान या हर्बल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, इससे संबंधित जो भी काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमाई करेंगे। और साथ में जो मैकेनिक है, इलेक्ट्रिशियंस है या केमिस्ट है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गेन की स्थिति में रहेंगे। शनि की दृष्टि और शनि भाग्य और कर्म दोनों का अधिपति है, इसलिए शनि आपकी कुंडली का या आपकी राशि कुंडली का की प्लेनेट है, उसकी स्थिति आपको बहुत ज़्यादा शुभता देगी, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगी। जो लोग भी मेटल, मेडिसिन, केमिकल से संबंधित काम करते हैं, फैब्रिकेशन संबंधित काम करते हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज से संबंधित काम करते हैं, चाहे आप फाइनेंशियल ब्रोकरेज करते हैं, स्टॉक मार्केट की ब्रोकरेज करते हैं या लैंड और बिल्डिंग से संबंधित ब्रोकरेज करते हैं, जो लोग भी ब्रोकरेज करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, मशीनरी का काम करते हैं, एजेंसीज का काम करते हैं, उन सभी लोगों को यहां पर सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियली गेन जबरदस्त होगा। एक और सिचुएशन आपके लिए बेटर है, वो है बृहस्पति की, क्योंकि बृहस्पति लाभ भाव का स्वामी है। ऐसी स्थिति में फाइनेंशियल से संबंधित, फाइनेंस कंपनी से संबंधित या फाइनेंशियल एडवाइजर से संबंधित, इंश्योरेंस का काम करने वाले, राजनीति के लोग, बैंकिंग सेक्टर वाले सभी लोग यहां पर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, बहुत अच्छे ढंग से गेन पाएंगे। जो जो भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे या एजुकेशन सेक्टर से संबंध जोड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन प्राप्त होगी। और साथ ही साथ जो लोग चैनल चलाते हैं, एंकरिंग में हैं या पत्रकार हैं, जो लोग अपने मैगजीन चलाते हैं या अखबार चलाते हैं, अपना चैनल चलाते हैं, वो सभी लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से सर्वाइव भी करेंगे, फ्लरिश भी करेंगे, अर्थात गेन कमाएंगे। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, धन और संपत्ति की। धन और संपत्ति का, जमीन जायदाद का कारक जो होता है मंगल होता है। मंगल की चौथी दृष्टि आपकी राशि से 2nd हाउस धन और संपत्ति भाव पर है, यह सुखद स्थिति है। इस भाव का अधिपति बुध है, जो कि एक त्रिकोण का अधिपति भी है, अर्थात जो आपकी राशि से 5th हाउस है उसका अधिपति भी बुध है। सप्तम भाव में संबंध जोड़ करके बहुत ही सुखद स्थिति बनाएगा,
गेन के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में, ऐसी सिचुएशन में जो भी लोग स्क्रिप्ट से, जो भी लोग शेयर से संबंधित काम करेंगे वो ज़्यादा गेन कमाएंगे, और सेकंड सिचुएशन जो रहेगी वो होगी कमोडिटी से संबंधित, कोई भी आप दालों से संबंधित काम, हरी चीज़ों से संबंधित काम, सिल्वर से संबंधित काम यहाँ पर करके ज़्यादा गेन प्राप्त कर सकते हैं, और जो आपने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं वो इन्वेस्टमेंट आपको गेन देंगे, एप्रिसिएशन देंगे, या फिर आपको फ़ायदा मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, और वो सिचुएशन आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगी, वो सिचुएशन कम नहीं होगी। आइए अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख के बारे में, भूमि, भवन और वाहन सुख के बारे में। राशि से, फोर्थ हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति सूर्य है, एक केंद्र का अधिपति दूसरे केंद्र में है, ये स्थिति बलवान स्थिति है, और साथ ही साथ इस सिचुएशन में त्रिकोण का अधिपति भी साथ में आता है, बुध भी सूर्य के साथ में, बुध अदिति योग की भी स्थिति है। और हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी राशि से फिफ्थ हाउस का या आपकी कुंडली में पंचमेश जिसके साथ में भी संबंध जोड़ेंगे, जब भी उसकी दशा आएगी या वो बलवान होगा, आपको फायदा जरूर मिलेगा, आपको जो भी डे टू डे की इनकम है उसमें वृद्धि होगी, साथ ही साथ आपके कैरियर में इंप्रूवमेंट आएगा, और आपके बुद्धि बल में एक प्रकार से और ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, अर्थात आप बहुत अच्छे ढंग से फैसले लेंगे या बुद्धि बल से ज़्यादा कमाएंगे। ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। तो ऐसी ही सिचुएशन में आप अपने घर परिवार के लिए भी उतनी ही अच्छे ढंग से मेंटल प्लानिंग करेंगे, अपने छोटे भाई बहनों के लिए और साथ साथ में अपने घर वालों के लिए, घर में सुख साधन बढ़ाने के लिए आप जी तोड़ मेहनत करेंगे, और उसका आपको फल भी मिलेगा, घर वालों का साथ भी मिलेगा, और साथ साथ में अपनत्व, स्नेह या आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, लोग आपकी बातों को इम्पोर्टेंस भी देंगे, और यूं भी सूर्य का मतलब डोमिनेटिंग है। सूर्य आपकी राशि कुंडली में बलवान है, इसका अर्थ है कि आप अपना वर्चस्व फैलाएंगे, आप अपने आप को और ज़्यादा बलशाली बना देंगे, स्ट्रेंथ अपनी बढ़ा देंगे, जो कि अपने परिवार के मुखिया के लिए बहुत सही है, बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन की। जमीन जायदाद की स्थिति भी बहुत ज़्यादा शुभ है, जो कि राशि से सेकंड हाउस, अर्थात इन्वेस्टमेंट के मामले में, धन और संपत्ति के मामले में बताया है, ठीक यही स्थिति यहाँ पर भी लागू हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में यदि आप कोई प्रॉपर्टी की डील में या आपको कोई पेरेंटरी प्रॉपर्टी मिलने वाली है उसके संबंध में आप आगे बढ़ते हैं, तो आपके लिए प्रॉपर्टी लेना ज़्यादा बेटर है। आपको कैश में हाथ डालने की जगह या ऑर्नामेंट्स में हाथ डालने की जगह आपको प्रॉपर्टी के क्षेत्र में जाना चाहिए, प्रॉपर्टी आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकती है, क्योंकि इस समय जो सिचुएशन चल रही है, आगे आने वाले सिचुएशन में आपको लगातार 7 वर्षों तक कंटिन्यू इंप्रूवमेंट और प्रोग्रेस देखने को मिलने वाली है। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रॉपर्टी लेने से, उसके डेवलप करने से ज़्यादा फायदा हो सकता है, ज़्यादा गेन मिल सकता है। वाहन की जहाँ तक बात करें, वाहन आपकी राशि कुंडली से ऐसा लगता है कि वाहन आपने ले लिया इस दीपावली पर, लेकिन जो लोग वाहन लेने में चूक गए हैं उन लोगों को मैं इस समय काल में इतना ही बोलूँगा, आप थोड़ा सा रुक जाइए, मकर संक्रांति के बाद में विचार करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करते हैं आपकी एजुकेशन और संतान सुख के बारे में। राशि से फिफ्थ हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में, अभी मैंने आपको जस्ट बताई है कि बुध की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेटर है। राशि से फिफ्थ हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि जहाँ पर भी होगी, जिस भाव पर भी होगी, उस भाव का शुभ फल जरूर मिलेगा। और मंगल जो कि इस समय लाभ भाव में है और उनकी भी दृष्टि आपकी राशि से फिफ्थ हाउस पर है, ऐसी स्थिति में जो लोग भी कोई भी टेक्निकल से संबंधित, साइंस प्लस टेक्नोलॉजी से संबंधित एजुकेशन ले रहे हैं उनको सपोर्ट मिलेगा। जो लोग फाइनेंस के सेक्टर में, मैनेजमेंट के सेक्टर में, इतिहास के सेक्टर में, या जो लोग ग्रामर से संबंधित, या फिर जो लोग टीचर्स बनने की और प्रोफेसर बनने की और एग्ज़ाम दे रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन लोगों के लिए ये समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा जो लोग भी म्यूज़िक में या टेलीकॉम सेक्टर में स्टडीज़ कर रहे हैं या अपने आप को और डेवलप कर रहे हैं, उन लोगों के लिए समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत कंफर्टेबल है। ये सिचुएशन का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए अपने आप को डेवलप करने के लिए। और यदि कोई एग्ज़ाम होने वाला है, कोई इंटरव्यू होने वाला है, तो भी ये समय काल आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। बहुत ही सुखद स्थिति है एजुकेशन में भी और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए भी। अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान का कारक
बृहस्पति होता है और स्पेशली पुत्र संतान का कारक बृहस्पति को ही माना जाता है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति की यहाँ पर शुभ दृष्टि बहुत ज़्यादा सुखद है, संतान का सुख आपको मिलेगा, अतः संतान के व्यवहार से आपको अच्छा लगेगा, वो आपकी हर बात में सपोर्ट करेंगे या आपके जो भी काम काज है या उनका जो भी काम काज है, सिर्फ उनको स्टडी करना है, अपने आप को सीरियस रखना है, उसमें वो सक्षम हो जाएंगे, उसमें वो सफल रहेंगे, तो उतना ही आपको चाहिए, पेरेंट्स को और क्या चाहिए, तो वो स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। संतान का सुख आपको मिलेगा और संतान से संतान का सुख, जो एजेड हैं उनको संतान से संतान का सुख मिलने की संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो फिफ्थ हाउस है वो संतान का है और संतान से संतान का भाव नाइन्थ हाउस है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति नाइन्थ हाउस में बैठ करके संतान भाव को देखता है, ये सुखद स्थिति है। और जो लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई नए सदस्य के लिए प्लान करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। आने वाले 6 अप्रैल 2021 तक आप इस समय काल का लाभ उठा सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य के बारे में और आपके शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में। राशि से सिक्स हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है जो अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में स्थित है, ये स्थिति आपके लिए बेटर है और आपकी राशि के अधिपति ही शुक्र है जो कि स्वराशि के हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर सिचुएशन आपकी बेटर हो गई, सिचुएशन आपकी बलवान हो गई। शनि जो कि भाग्य के अधिपति होकर के सिक्स हाउस में देखते हैं और शनि की दृष्टि जहां पर होती है, ऐसी मान्यता है कि वहां पर उस भाव का सुख नहीं मिल पाता है, तो रोग का सुख और किसको चाहिए। तो रोग, कर्ज, कंपटीशन, वाद विवाद, एक्सीडेंट या कोर्ट कचहरी, ये सब कोई नहीं चाहता है। तो यहां पर शनि की दृष्टि इन सभी स्थितियों को जला देगी, तो जो आपके लिए बचेगा वो आपके लिए बेटर बचेगा, अतः अच्छा स्वास्थ्य और शत्रुओं से रक्षा। और साथ ही साथ मंगल की दृष्टि भी है, मंगल जो कि सेनापति है, मंगल जो कि आपके अंदर स्ट्रेंथ देता है, एनर्जी देता है और वाद विवाद से रक्षा कर सकता है, वो मंगल की दृष्टि भी सिक्स हाउस में है। ऐसी स्थिति में ना तो आपको रोग परेशान कर पाएंगे, ना ही आपको शत्रु परेशान कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में आप बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं, या आसानी से बोल सकता हूँ कि आप निश्चिंत होकर के अपना काम काज आप निपटा सकते हैं। और जो लोग कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, उन लोगों को इस समय कर्ज से मुक्ति के लिए शुक्र के जितने उपाय हो सकते हैं वो उपाय करने चाहिए। और जो लोग एक सामान्य ढंग से उपाय करना चाहते हैं कर्ज के लिए, तो कर्ज के दो ही रीजन होते हैं, एक मंगल है और एक बुध है। ऐसी स्थिति में ऋण अर्था गणपति स्तोत्र या ऋण अर्था मंगल स्तोत्र, जो भी आपकी राशि कुंडली में मित्र होते हैं उनका आप पाठ कीजिए, आपको इनसे अर्थात कर्ज से राहत मिल सकती है। लेकिन आपकी कुंडली में, वृष राशि की कुंडली में रोगों के लिए, कर्ज के लिए, इन विवादों के लिए शुक्र जिम्मेदार है। ऐसी स्थिति में शुक्र के जितने उपाय करेंगे उतनी आपको राहत मिलेगी। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृह सुख की, और जिन लोगों के प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, रिलेशनशिप चल रही है, उनकी भी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गृह सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इन सभी का विचार किया जाता है। सप्तम भाव का अधिपति मंगल है जो कि आपके लाभ भाव में स्थित है, ये स्थिति बेटर है। लेकिन सूर्य जिस भाव में भी होता है, और इसीलिए बोला जाता है कि सूर्य को थर्ड हाउस में, सिक्स्थ हाउस में, इलेवंथ हाउस में और टेंथ हाउस में भी शुभ माना जाता है, बाकी जगह पे सूर्य अहित करता है, नेगेटिविटी देता है, या फिर एक बात बोल सकते हैं उग्रता देता है। राशि से सप्तम भाव में सूर्य सिर्फ जलाने का गुण देगा, अर्थात यहाँ पर शुभता नहीं दे करके आर्ग्यूमेंट पावर ज़्यादा देगा, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों एक साथ में विराजमान है और इस सिचुएशन को बुध आदित्य योग बोलते हैं। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर अपनी बात को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में कई उदाहरण के द्वारा अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की जाती है। सूर्य और केतु साथ में है, इस सिचुएशन को सामान्य भाषा में ग्रहण योग बोला जाता है, तो आपके अधिकारों का हनन हो सकता है या अधिकारों का सुख आपको नहीं मिल पाएगा, अधिकारों के लिए फाइट करनी पड़ेगी, ये स्थिति हो जाती है। तो एक और स्थिति यहाँ पर काम करेगी, शुक्र जो कि राशि से सप्तम भाव में आकर के ग्रस्त सुख में बाधाएं देता है, वो भी 11 तारीख को आ जाएगा। तो 11 तारीख से लगा करके 15 तारीख तक, जब तक सूर्य आगे नहीं बढ़ जाते अतः धनु राशि में नहीं चले जाते हैं, वो 4 दिन आपको बहुत ज़्यादा संभल करके रहना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य, शुक्र, बुध और केतु सबके सब एक साथ में होंगे, चारों ग्रह एक साथ में होंगे और सप्तम भाव में ही होंगे। सप्तम भाव ग्रस्त सुख और दाम्पत्य सुख में
कोई न कोई वाद विवाद की स्थिति बना सकते हैं, उससे आपको बचना चाहिए। ये डेट नोट कर लीजिएगा, 11 तारीख से लगा करके 15 तारीख तक, क्योंकि उसके बाद में 15 तारीख को सूर्य चेंज हो जाएंगे, अगली राशि में चले जाएंगे, 17 तारीख को बुध भी अगली राशि में चले जाएंगे, तो वो स्थिति आपको कुछ न कुछ राहत देगी। ऐसी स्थिति में जो ग्रह सुख की स्थितियां हैं वो दिसंबर में कुछ विचार योग्य हैं, अतः ध्यान रखना पड़ेगा, अहितकर स्थिति नहीं हो जाए, बहुत ज्यादा बात नहीं बढ़ जाए, उसका आपको खुद को ख्याल रखना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं जो प्रेम प्रसंगों की स्थिति है, रिलेशनशिप की स्थिति है, उसके लिए राशि से पंचम भाव का भी विचार किया जाता है। उस भाव का अधिपति बुध जो कि सप्तम भाव में है, यह स्थिति सुखद है। फिर सेकंड सिचुएशन देखी जाती है शुक्र की, क्योंकि प्रेम प्रसंगों के लिए शुक्र भी इन्वॉल्वमेंट रखता है, तो शुक्र अपनी खुद की राशि में है, वो स्थिति शुभ है। और आने वाले समय में 11 तारीख को शुक्र राशि से सप्तम भाव में भी चले जाएंगे, तो जो दाम्पत्य सुख है उसमें तो प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन प्रेम प्रसंग में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करते, वो उनके मनोभावों को, इमोशंस को उजागर कर देते हैं, उभार देते हैं। और सप्तम भाव का अधिपति मंगल राशि से 11th हाउस में बलवान है, ऐसी स्थिति में थोड़ा सावधान रहते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं, अर्थात आपके प्रेम प्रसंग रिलेशनशिप आपको आगे बढ़ाते रहेंगे या आप उसका सुख देखते रहेंगे, वो आपकी फ्रेंडशिप चालू रह सकती है, लेकिन थोड़ी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, आपके प्रोफेशन की, आपकी जॉब की या आपके बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति शनि है जो कि भाग्य भाव में स्थित है, ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है कि कर्म का अधिपति भाग्यस्थान में बैठा हुआ है, अर्थात भाग्य से आपको काम मिलेगा, भाग्य से आपको सपोर्ट मिलेगा, भाग्य से आपका कैरियर आगे बढ़ेगा, सब प्रकार से आपको सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट बहुत बड़ी चीज है। अर्थात किस्मत से बहुत बड़ा काम भी चुटकियों में हो सकता है, और भाग्य यदि बलवान नहीं हो, भाग्य का सपोर्ट नहीं मिले, तो छोटा सा पत्थर हटाने में भी घंटों लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो लोग कोई भी रिसर्च का कार्य कर रहे हैं, या ऐसे लोग जो फैब्रिकेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, जॉब वर्क से संबंधित काम कर रहे हैं, या डॉक्टर से संबंधित काम कर रहे हैं, जिनके अपने हॉस्पिटल्स हैं, या जिनकी अपनी कोई फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, या आयरन एंड स्टील से संबंधित, स्क्रैप से संबंधित, फाउंड्री से संबंधित, फैब्रिकेशन संबंधित कोई काम करते हैं, वे लोग यहाँ पर ज़्यादा डेवलप करेंगे, ज़्यादा काम मिलेगा, या ज़्यादा अच्छे ढंग से फ्लरिश करेंगे, डेवलप करेंगे। इसके अलावा जो भी लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक से संबंधित काम करते हैं, या वे लोग जो रेडीमेड गारमेंट से संबंधित काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित काम करते हैं, एनी टाइप ऑफ डिजाइनिंग से संबंधित काम करते हैं, या वे लोग जो टीवी इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित लोग हैं, वो इस समय वापस अपनी मेन स्ट्रीम में शामिल होंगे, अर्थात अब जाकर के उनको वापस से रेगुलर काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, या आपके काम का आपको अप्रिसिएशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, अब जाकर के स्थितियां सामान्य की ओर, या ये बोल सकते हैं जो लोग खाली बैठे थे उनको अब स्थितियां काम मिलने की है। इसके अलावा जो लोग तंबाकू, सिगरेट, लिकर्स, या जो भी आप एजेंसी लेकर के, लाइसेंस लेकर के जो सामान बेचते हैं, उससे संबंधित कामों में आपको ज्यादा गेन मिलेगा, आपका कामकाज बढ़ेगा, आपका कामकाज फैलेगा। जो लोग भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अतः चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज देने का काम करते हैं, जॉब वर्क देने का काम करते हैं, या कमीशन एंड ब्रोकरेज से संबंधित काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस का काम करते हैं, वे सभी लोग इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से गेन करेंगे, या बहुत अच्छे ढंग से कामकाज करके अपने आप को डेवलप करेंगे, आपका कामकाज यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से चलेगा। जिन लोगों के पास में जॉब नहीं है, क्योंकि पिछले महीनों में लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों की नौकरियाँ गई है, ऐसी स्थिति में आप वृष राशि के लोग भाग्यशाली होने वाले हैं, आप लोगों को इस माह में एफर्ट करने पर जॉब मिल सकती है, जॉब मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल है। आइए अब बात करते हैं एक विशेष सेगमेंट की, वो है हाउसवाइफ के लिए, गृहिणियों के लिए। जो बहनें, जो भी महिलाएं सिर्फ घर परिवार को ही समय देती है, या घर परिवार के मैनेजमेंट में ही समय देती है, उनके बारे में कोई नहीं बोलता है, ना कोई भविष्यवाणी करता है, ना किसी को मैंने इतना सुना है कि उनके बारे में कोई सोचता भी है, क्योंकि हमारी दुनिया आपके आसपास ही घूमती है। और एक हाउसवाइफ सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी से घर और परिवार, पेरेंट्स को, बच्चों को, आपकी दुनिया को, आपकी छोटी छोटी आवश्यकताओं को बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हुए सब कुछ मैनेज करती है, उनके बारे में भी हमने
ये सेगमेंट बनाया ताकि आपको आभास हो कि आपको क्या शुभ मिलने वाला है और क्या आपको ध्यान देना चाहिए। ऐसी स्थिति में दिसंबर 2020 में आपको लगभग सारे सुख मिलेंगे, सिर्फ दो सिचुएशन को छोड़ करके। एक सिचुएशन है, वह है आपके जो छोटे देवर हैं या देवरानी हैं, उनसे आपको कुछ स्थितियां खराब हो सकती है या आपस में तुनक मिजाजी की स्थिति आ सकती है, वाद विवाद की स्थिति आ सकती है। और दूसरी सिचुएशन रहेगी वो आपके दाम्पत्य सुख में, जो मैंने सप्तम भाव की स्थिति बतलाई है उसमें आपको बहुत ज़्यादा सावधान भी रहना है, केयरफुल भी रहना है, क्योंकि वहाँ पर वाद विवाद की स्थितियाँ बनेंगी। तो आप आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगी तो स्थितियाँ शांत हो जाएगी, और यदि आर्ग्यूमेंट करने बैठ जाएंगी तो फिर वो विवाद और लंबा खींच सकता है। ऐसी स्थिति में आप जो कि गृहणियाँ हैं, हाउसवाइफ है, वो बहुत ज़्यादा समझदार मैं मानता हूँ कि वो सारी सिचुएशन को बहुत अच्छे ढंग से टैकल कर लेती है, सभी को सम्मान देती है, या कौन से पारिवारिक सदस्यों को किस समय क्या जरूरत है वो सब कुछ उनको पता रहता है, और सारे दिन वो काम काज करके उस परिवार को बहुत अच्छे ढंग से संभाल भी लेती है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने दाम्पत्य सुख की स्थिति को भी संभाल लेंगी और साथ ही साथ जो देवर और देवरानियों की सिचुएशन है उसको भी अच्छे ढंग से टैकल कर लेंगी, क्योंकि इस समय आपकी राशि भाव में राहु विराजमान है जो आपको बुद्धि बल से मालामाल कर रहा है। अतः आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, आपको अपनी जुबान का इस्तेमाल कम करना है। इतना सा ये सेंटेंस याद रख लेंगी, आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। आइए अब बात करें इस माह के विशेष उपाय की, क्योंकि इस माह में भूमि, भवन और वाहन से संबंधित या सुख भाव से संबंधित सूर्य राशि से सप्तम भाव में है, वो ग्रह सुख को इफेक्ट करेंगे, और 15 दिसंबर 2020 को जो ही अगली राशि में चले जाएंगे, राशि से अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो सूर्य का सुख भाव के अधिपति का अष्टम भाव में जाने का अर्थ है घर में सुख सुविधा में कमी या घर में ही वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होना। और यदि आपको इस समय कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने वाली है तो ऐसी सिचुएशन में आपको समय से पहले ही सूर्य के उपाय करने चाहिए। आपको सूर्य से संबंधित सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, द्वादश आदित्य कवच धारण करना चाहिए, या फिर सूर्य कवच का पाठ निरंतर करना चाहिए, रोजाना करना चाहिए। इसके अलावा आपके लाभ के अधिपति भी और साथ में बृहस्पति जो कि भाग्य भाव में स्थित है वो नेगेटिव है, नीच राशि के हैं, 6 अप्रैल 2021 तक ये स्थिति नेगेटिव रहेगी। ऐसी स्थिति में विष्णु से संबंधित पूजा उपासना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय से संबंधित कोई भी मंत्र जाप या विष्णु का कोई भी आप उपाय कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, राम रक्षा कवच धारण कर सकते हैं, या फिर दशावतार विष्णु कवच धारण कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि विष्णु से संबंधित जो भी पूजा उपासना करेंगे उसका आपको राहत मिलेगी, भाग्य का फल भी आपको मिलेगा और साथ ही साथ लाभ में भी आप बलवान हो जाएंगे या लाभ में संतुष्टि मिलने लगेगी। आइए अब बात करें कुंडली विश्लेषण की। आम आदमी के लिए अच्छी एजुकेशन, अच्छा कैरियर, धन दौलत, प्यार प्रेम और एक सुखी वैवाहिक जीवन किसी सपने जैसा होता है। जन्म कुंडली की सहायता से ही इन्हीं विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में आपके जीवन के अच्छे, सामान्य या बेहतरीन समय की जानकारी मिल सकती है। आपकी जन्म कुंडली उन सपनों को पूरा करने के लिए सही फैसला लेने में आपकी मदद करती है, जो केवल सपने ही नहीं आपके अधिकार भी। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी कुंडली का, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए कि आपका दाम्पत्य सुख कैसा है, आपका कैरियर कैसा है, धन और संपत्ति की स्थिति कैसी होगी या परिवार की स्थिति कैसी होगी, संतान की स्थिति कैसी होगी, ये सब कुछ जाना जा सकता है कुंडली के माध्यम से। और इसके लिए कुंडली का विश्लेषण कराना जरूरी है। जिन क्षेत्रों में, जिन शहरों में मैं आऊँगा वहाँ पर आप मिल सकते हैं रूबरू, और या फिर टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से आप बात कर सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, जो भी आपकी जिज्ञासा है, जो भी आपकी समस्या है। अब इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। अगले मासिक राशिफल में फिर मिलने के वादे के साथ में स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का, और हाँ अपने जीवन साथी का भी बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर आपकी रक्षा करे, धन्यवाद।